तो ये शीट नंबर 63, इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस गिवन 20, मैग्नेटिक फील्ड गिवन, कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या गिवन है, रेडियस होता क्या है, रेडियस की वैल्यू आप ये देखो, ये कुछ मत करो प्लीज, आप सीधा लगाओ रेडियस होता क्या है, एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू। तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी, बी क्यू आर बाई एम, ये रहा, क्यू की जगह ई पुट करके आंसर। तो एक आंसर आ गया। अब वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर द स्पीड, कह रहा है फिर ये बताओ कि कैपिटल वी पोटेंशियल क्या लगाएं ताकि स्पीड एक्वायर हो जाए। अगर ये स्पीड इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर ली तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहां से कैपिटल वी निकालने और स्मॉल वी हम निकाल चुके हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, यहां से सॉल्व करके पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ वी, तो क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस वी, बड़ा वी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, फाइंड रेडियस आर। आज हमने ये शॉर्टकट फॉर्मूला कर लिया ना, ये वाला, ये देखो 2mqv, सीधा लगाओ इसमें, आपको पोटेंशियल पता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का पता है, कैपिटल वी, सब कुछ पता है आंसर। तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सीधा आज करवाई दिया आपको क्या करना है। इसमें देखो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू बी, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट वैसे टेस्ला होते हैं, ये डब्ल्यू बी क्या होता है, इसको वेबर बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी टेस्ला के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला हो, एक ही बात है। तो कैपिटल बी गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, बी भी गिवन है, ई भी गिवन है, दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड चला जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि पैराबोला में घूमे, लेकिन वो अनडेविएटेड चला गया, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स एग्जैक्टली सेम है, हमने लास्ट केस किया था। तो वेलोसिटी उस केस में क्या होगी, ई अपॉन बी। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, ई पता है, बी पता है, वेलोसिटी आ गई, एक आंसर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है स्पीड बताओ इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी बताओ फिर से इलेक्ट्रॉन की, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया तो बचा क्या, कौन सा फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस का फॉर्मूला एम वी बाई बी क्यू, तो उसने क्या बोला कि रेडियस निकालो फिर, तो ठीक है, मास पता है, वी पता है, बी पता है, क्यू पता है, आंसर वी कहाँ से पता है, वी यहाँ से पता है, तो आंसर आ गया, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, बीम ऑफ प्रोटोन्स एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन विद अ वेलोसिटी ऑफ वी गिवन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब पार्टिकल की वेलोसिटी और बी में एंगल 90 नहीं है, 60 है, तो पार्टिकल किस में घूमेगा, इन हेलिक्स। तो इस केस में क्या निकालना है, रेडियस निकालना है और पिच निकालनी है। रेडियस क्या है, एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू। अब देखो यहाँ पर हेलिक्स है तो फॉर्मूला नोट करवाया था, एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू, एक आंसर आ गया। फिर क्या निकालना है, पिच। देखो जो पिच होती है, क्या करवाया था, पिच ये करवाई थी, अगर मान लो कोई वेलोसिटी वी वेक्टर ऐसे मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा कुछ ऐसे, तो ये हेलिक्स है, तो ये डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। और पिच के लिए कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का यूज करते हैं, वी कॉस थीटा, और एक चक्कर के टाइम पीरियड को टी बोलते हैं, तो वी कॉस थीटा इनटू टी।
अब टाइम पीरियड कैसे निकलता है? टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या है? दो तरीके हैं, या तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो 2πm/pq, तो कैपिटल टी आ जाएगा, या फिर डिस्टेंस, एक चक्कर का डिस्टेंस 2πr, और कितनी वेलोसिटी से सर्कल में पार्टिकल घूमता है, v sin थीटा किया था हमने। पार्टिकल घुमाने के लिए कौन सी वेलोसिटी चाहिए सर्कल में? v sin थीटा। या तो ऐसे लगा लो या ऐसे लगा लो, एक ही बात है, तो ऐसे लगा लो। टाइम पीरियड आ गया, तो v cos थीटा में v पता है, थीटा पता है, टाइम पीरियड ऊपर से आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके पिच आ जाएगी। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, एक प्रोटोन है, इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, ट्रेवल्स अलोंग अ हेलिकल पाथ ऑफ रेडियस गिवन है और पिच गिवन है, फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हेलिक्स में वेलोसिटी होती क्या है? वी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर क्या होती है? वी साइन थीटा। दोनों निकालनी है। क्या गिवन है इसके बदले में आपको? एक तो पिच गिवन है और एक रेडियस गिवन है। रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या किया? एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। आपको क्या निकालना है? वी साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी क्यू आर एम पता है आंसर, एक आंसर। अब आपको वी कॉस थीटा भी निकालना है, इसके लिए आपको क्या गिवन है? पिच। पिच का फॉर्मूला लिखें, वी कॉस थीटा निकालना है, पिच गिवन है, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड निकालने के दो तरीके हैं, या तो 2πm/bq या फिर 2πr/vsin थीटा। काफी बुक्स वी साइन थीटा को वी परपेंडिकुलर लिखती हैं, क्योंकि वी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो आप फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लेना, जहां हेलिक्स का डायग्राम बनाया आपने, टाइम पीरियड निकालने के ये तरीके आप प्लीज नोट कर ले, भूल ना जाना। तो टाइम पीरियड पे जो है हेलिक्स में ऐसे निकलेगा, सुनना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है यहां तक? तो टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देना, तो यहां से v cos theta की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो होमवर्क नोट कर लो प्लीज। एक तो आपने सब्जेक्टिव शीट नंबर जो ट्राई करनी है आज के लेक्चर पे बेस पे, 39 सब्जेक्टिव 39 ट्राई करनी है। तो आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सारे अनसॉल्व्ड इसमें आपको मिलेंगे, तो पहला काम तो ये करना है आपने। ठीक है, 39 सब्जेक्टिव। दूसरा, आपने ऑब्जेक्टिव शीट्स ट्राई करनी है। ऑब्जेक्टिव शीट में ऑब्जेक्टिव शीट नंबर कहाँ तक की हुई है हमने? 26 देखता हूं, आपने शीट करनी है 26 करो, 26। फिर आपने करनी है शीट नंबर 27, 26, 27, बस 26, 27 बस।